Hello dear students and their parents, this is Kaushal Kumar from Sinotech Education Service, Educational Counselor. आज मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ इस टॉपिक पे वीडियो बनाने में, और ये टॉपिक जो है हमारा रिगार्डिंग इंडियन गैजेट्स भारत का राजपत्र पे है, जो अभी 18 तारीख को आया था फॉर FMG स्टूडेंट्स. तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे. इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस किसी स्टूडेंट ने और या जिस किसी के पेरेंट्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग अब्रॉड स्टडी MBBS या अब्रॉड एजुकेशन, रिगार्डिंग दिस गैजेट्स, रिगार्डिंग कॉलेजेस, तो काइंडली प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्टर्स. तो चलिए शुरू करते हैं. अभी कुछ दिन पहले भारत का राजपत्र आया है. इससे पहले एक ड्राफ्ट आई थी जिसमें कि आपको 2 ईयर्स तक का टाइम था आपको लाइसेंस नेक्स्ट क्लियर करने का. तो वो बहुत पैनिक किया था स्टूडेंट्स ने, पर वो ड्राफ्ट था. उसके बाद इन्होंने अभी जो आया है वो भारत का राजपत्र है, ये बिल है, ये टोटली पास आउट है, ये टोटल नियम है, ये नियम आ चुका है. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे. तो मेन मुद्दा हमारा ये है कि अगर इस पॉइंट पे हम जब डिस्कशन करने जाएं, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी एडमिशन ले चुके हैं कहीं भी अब्रॉड में, प्लीज़ पैनिक मत होइए. मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूं, पैनिक मत होइए, क्योंकि सडन नियम आया है और रूल्स कोई भी गवर्नमेंट कहीं के लिए भी बनाती है. किसी भी देश की गवर्नमेंट अगर रूल्स बनाती है तो अपनी पब्लिक की सहूलियत के लिए बनाती है. अगर पब्लिक परेशान होगी उस रूल से, तो वो उस रूल्स में कुछ अमेंडमेंट किए जा सकते हैं. तो हम इस मुद्दे पे आज बात करेंगे. मैं काफ़ी लेट हूँ, आपने कई सारी चैनल्स पे वीडियोस देख चुके होंगे, कभी काफ़ी वीडियोस इस मुद्दे पे आपने देख चुका होगा भारत के राजपत्र पे. पर जो मैंने एनालिसिस किया, काफ़ी डिस्कशन किया, हर जगह हमने बात की, उसके बाद हम आपके पास आए हैं. इस वीडियो को बना रहा हूँ आज मैं आपके लिए, और इसमें कुछ मेन बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको आपको हर FMG स्टूडेंट्स को देखना और समझना पड़ेगा, हर पेरेंट्स को समझना पड़ेगा जिनके बच्चे फॉरेन में MBBS करने जाएंगे. अब जो आपका नियम है, भारत ने जो नियम बनाया है, क्योंकि आप इंडियन स्टूडेंट्स हैं तो आपको इंडिया में आके उस नियम को फॉलो करना पड़ेगा. बट बात यहाँ पे आती है कि जहाँ आप MBBS कर रहे हैं, जहाँ पे आप MD कर रहे हैं, वो कंट्री आपके नियम को फॉलो करती है कि नहीं करती है. तो पहला पॉइंट ये है कि अगर वो कंट्री आपके नियम को मानने से मना कर दे, तब शायद ट्रबल हो सकता है. अगर वो कंट्री फ्लेक्सिबल है, आपके कंट्री के हिसाब से आपके नियम को मानेगी, तो आपके लिए इजी है. तो अभी इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे. काफ़ी कॉलेजेस में, काफ़ी कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ में बातें चल रही हैं. तो मैं यही कहूँगा सभी पेरेंट्स से कि प्लीज़ डोंट बी पैनिक. तो चलिए, हम आप जैसे देख सकते हैं भारत का राजपत्र आया हुआ है. अब भारत के राजपत्र के हिसाब से अगर FMG पे जो नियम है, वो पहला मेन पॉइंट जो मुझे लगता है, कोर्स ड्यूरेशन उन्होंने मिनिमम 54 मंथ्स का दिया है. मिनिमम, आप इसे ज़्यादा भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, बट मिनिमम जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है 54 मंथ्स इज इक्वल टू 4.5 ईयर्स, लाइक इंडिया, जो इंडिया में हम लोग फॉलो करते हैं. तो ये पहला है आपका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन का, जो कि अब काफ़ी कंट्रीज़ हैं, कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, फिलीपींस है, जहाँ 4 ईयर्स की MD होती है, और काफ़ी कंट्रीज इस चीज़ को फॉलो करती है, तो वहाँ पे कोर्स ऑफ ड्यूरेशन में कोई इशू नहीं है. अगर आप पर्टिकुलरली देखिए, हर पॉइंट्स में कोई ना कोई कंट्री डिस्टर्ब हो रही है, हर पॉइंट्स के अंदर कुछ ना कुछ हर अब्रॉड की किसी ना किसी कंट्री का डिस्टर्बेंस आ रहा है. तो पहला पॉइंट में आपको कैरिबियन कंट्रीज़, अमेरिका हो गया, फिलीपींस हो गया, वो डिस्टर्ब हो रहा है. हम इसको बाद में डिटेल्स में बात करेंगे. तो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन 54 मंथ्स, ओके. सेकेंड जो उनका पॉइंट मेन है, इंटर्नशिप. आप जहाँ से भी पढ़ते हैं, चाहे आप रशिया, यूक्रेन, फिलीपींस, चाइना, कहीं से भी आप MBBS कर रहे हैं, तो उसी कॉलेज में इंटर्नशिप करनी है 12 मंथ की रेगुलेटरी से, और उसी के हॉस्पिटल में आपको इंटर्नशिप करना है. आप ना कॉलेज चेंज कर सकते हैं और ना ही आप हॉस्पिटल चेंज कर सकते हैं कॉलेज का. तो ये एक दूसरा मुद्दा है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है. तीसरा पॉइंट ये है जो मेन है, मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश. क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे जो रशिया या कहीं और भी जाते हैं, तो लैंग्वेज कहीं हाफ ईयर चाइनीज़ या हाफ ईयर रशियन
में आपको पढ़ना होता है, फिर हाफ ईयर इंग्लिश पढ़ना होता है, तो वो सब डिग्री आपकी वैलिड नहीं होगा। आपकी प्रॉपरली डिग्री इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। ये एक अमेंडमेंट हुआ था बिफोर की ड्राफ्ट NMC के ड्राफ्ट से। तो दो पॉइंट उन्होंने ड्राफ्ट से अमेंड किए थे, एक तो अनलिमिटेड टाइम आपको दिया है नेक्स्ट के लिए, दूसरा ये लैंग्वेज वाला इन्होंने अमेंड किया है। चौथा चीज़ जो इसमें हम बात करेंगे कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स 10 ईयर का रखा है। जैसे फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट बिगिनिंग आपको जो एडमिशन ली है उसके बीच में आपके 10 साल का टाइम रहता है कि आपकी कोर्स कंप्लीट हो जाए। अब हम इसको पर्टिकुलरली पॉइंट वाइज हम बात करेंगे कि कैसे कैसे क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, जो अभी भारत का मेन राजपत्र है अगर उसके हिसाब से आप चलें, तो मैंने जो एनालाइज़ किया है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ 100%, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मैंने एनालाइज़ किया है उस हिसाब से, तो अभी सिर्फ बच्चे दो ही कंट्री में जा सकते हैं, एक चाइना और एक बांग्लादेश। बांग्लादेश का प्रॉब्लम ये है कि आपको 1 ईयर गैप के बाद बांग्लादेश में एडमिशन नहीं होता है, तो ये सबसे बड़ा वहाँ बैक है। और कोई बच्चा या कोई एजेंट अगर बांग्लादेश में आपका एडमिशन करा रहा है, तो इसका मतलब आपके साथ कुछ हेर फेर कर रहा है वहाँ पे, वो वहाँ के नियम के हिसाब से। बाकी अब जो NMC जो इंडियन गैजेट आया है NMC के थ्रू, इस पे अगर बात आप करेंगे तो आप उस हिसाब से सिर्फ दो ही कंट्री में जा सकते हैं अभी, चाइना या बांग्लादेश। अब और नेपाल जो है, नेपाल एक पॉइंट से पीछे हट जा रहा है, उस पॉइंट पे हम लेटर डिस्कस करेंगे। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, अभी पैनिक होने की बात इसलिए नहीं है कि जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, जो बच्चे अभी एडमिशन ले चुके हैं उनको पैनिक इसलिए नहीं होना है कि अभी हम कई जगहों पे बात कर रहे हैं। सपोज़ फिलीपींस में जो बातें हुई हैं, फिलीपींस के अंदर में गवर्नमेंट कह रही है कि वो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन बढ़ाएंगी, तो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन अगर बढ़ जाता है तो आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यूक्रेन में जैसे 6 साल का कोर्स है, आपको भी पता है यूक्रेन में इंटर्नशिप नहीं होती, अभी वहाँ पे एजेंट्स आपको कह रहे हैं, बट वहाँ पे लोग लगे हुए हैं उनके काउंसिल्स में बात करने के लिए कि जो आप 5 ईयर्स का और 1 ईयर का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट के लिए, अगर ये वहाँ पे फ्लेक्सिबल है तो आप यूक्रेन भी जा सकते हैं, ये नियम अगर आता है। थर्ड, रशिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, रशियन गवर्नमेंट अभी मान नहीं रही है इन चीज़ों को लेके कि वो अभी इंडियन गवर्नमेंट से बात करेगी इस मुद्दे पे, तो अब ये क्या फैसला आता है वो उस टाइम की बात है। बात रही चाइना की, तो चाइना आपको प्रॉपरली इंडियन पैटर्न फॉलो करता था, क्योंकि जो आपकी डिग्री भी थी वो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी आती थी, बच्चों को मिलती है, वो भी इंग्लिश मीडियम में मिलती है, प्लस 4.5 प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप जो होता है वो आपको मिलता था। तो चाइना अभी प्रॉपरली जो है वो इंडियन पैटर्न को फॉलो करता था, उनका कोई पैटर्न किसी और कंट्री का नहीं था। आपको पता है बांग्लादेश और नेपाल, बांग्लादेश नेपाल भी इसी पैटर्न पे चलता है। एक सबसे बड़ा पॉइंट है जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, वो मेन पॉइंट है, उस पॉइंट में सारी कंट्री छटा जाती है, अगर सबको साइड हो जाता है, वो पॉइंट है रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ बांग्लादेश और चाइना में ही आपकी डिग्री रजिस्टर्ड होती है, बाकी किसी भी कंट्री में आपकी डिग्री रजिस्टर्ड नहीं होती है। इस टॉपिक पे भी कई लोग अभी अपनी जहाँ भी जो लोग यूक्रेन रशिया में बातें चल रही हैं कि उनकी डिग्री रजिस्टर्ड, अदरवाइज आपको वहाँ पे लाइसेंस क्लियर करके आपको आना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है इन द सेंस कि सपोज़ कोई बच्चा रशिया में पढ़ता है तो रशिया में जो लाइसेंस एग्ज़ाम होगा रशियन लैंग्वेज में होगा, तो ये चीज़ बड़ा डिफ़िकल्ट है। ये रेयरली 100 में आप 2 या 4 बच्चे मान सकते हैं, ऐसा हिसाब किताब है। तो अभी इस मुद्दों पे चल रहा है। तो ओवरऑल जो आपको मैंने मेन 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स बताए, इसमें बेसिकली 5 पॉइंट्स है, उसमें तो आप उस हिसाब से आप चाइना जाएँ या बांग्लादेश जाएँ। बांग्लादेश का मेन इशू गैप है, जो कि बहुत मुश्किल होता है, फिर आपके पास चाइना एक ऑप्शन रह जाता है। अब हमें इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए कि जो ये है गैजेट्स, क्या इसमें चेंजेस आ सकते हैं? तो देखिए, अभी यहाँ पे हम लोग सब लोग मिलके वकील, ये क्योंकि मैं लॉयर नहीं हूँ, हम लोगों ने लॉयर से बात की है, लॉयर के साथ डिस्कशन किया है, लॉयर से जो बात हुई हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते, बट हम इसमें अपनी बातें रख सकते हैं, इसमें कुछ अमेंडमेंट कराया जा सकता है। क्योंकि देखिए, 2-3 चीज़ें जो हैं अमेंड करने लायक है, क्योंकि पहली बात तो जहाँ की आपने इंटर्नशिप वैलिड की थी, आप अगर पुराने नियम्स देखेंगे तो आपने चाइना फिलीपींस बांग्लादेश नेपाल, इन 4 कंट्री की इंटर्नशिप वैलिड थी, तो ये आप वैलिड करें, क्योंकि बच्चे को फिर डिफ़िकल्ट होगा अगर आप अकॉर्डिंग टू NMC जाएंगे, तो बच्चे को आके फिर से यहाँ पे इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, डबल इंटर्नशिप, जो कि टाइम वेस्टेज है, जो कि एक टाइम वेस्टेज है। तो ये एक अमेंडमेंट किया जा सकता है, बाकी चीज़ें की जो बातें हैं वो हम लोग अमेंडमेंट नहीं करा सकते हैं, इसलिए कि
वो सबको लेके चलना होता है आपको NMC के अंदर में। तो ये सारी चीज़ें आप उस कंट्री प्रॉपरली जहाँ बच्चे जा रहे हैं उस कंट्री में चेंजेस आएंगे। अब सपोज अगर फिलीपींस में कोर्स 4 ईयर MD था तो वो अब टोटली प्री मेड मेड और इंटर्नशिप को कंबाइंड करके एक डिग्री देंगे, तब जाके बच्चे वहाँ जाएंगे। इसके बाद अगर यूक्रेन की बात करें, जो 6 ईयर्स का कोर्स था तो वो 5 ईयर्स प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देंगे, तब बच्चे वहाँ पे पढ़ेंगे। रशिया में भी सेम बात है। और अगर आप और अदर कंट्रीज, बांग्लादेश, नेपाल और ये चाइना, यहाँ तो ऑलरेडी ये प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपकी डिग्री रजिस्टर्ड करना। तो उसके लिए भी बातें चल रही हैं। तो मैं यही कहूँगा आप पैनिक मत होइए, क्योंकि देखिए इंडियन गवर्नमेंट कभी भी इतने स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ नहीं खेल सकती है। और इंडियन गवर्नमेंट ने ये रूल्स बनाया है, बिल पास किया है, इसमें कुछ अमेंड किया जा सकता है, टाइम लगेगा। और रही बात आपकी डिग्री की, डिग्री आपकी ओरिजिनल मिलेगी आपको। और अगर आपको इस पर प्रॉपरली कोई अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हैं। आप उस भारत के राजपत्र को देख सकते हैं यहाँ पे, और भारत के राजपत्र को आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। अगर जो पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आए, जो पॉइंट्स आपको डाउट वाले लगते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से हमारे नंबर पर कॉल करके इस मुद्दे को समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए ये आपके फ्यूचर का सवाल है, आपको हर पॉइंट जानना है। आप कहीं भी जाएँ, चाइना, रशिया, यूक्रेन, फिलीपींस, आपको हर बातें समझनी होगी। और मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि आप मेरे थ्रू एडमिशन मत लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे थ्रू एडमिशन लीजिए या मैं जो बोलता हूँ आप वो कीजिए। आप खुद से पढ़िए, और जो पॉइंट समझ नहीं पाते उस पॉइंट्स पे क्लैरिटी हम आपको देंगे। हम चाहते हैं कि आपको अब्रॉड एजुकेशन, अगर आपके पास एक अल्टरनेट ऑप्शन है, क्योंकि इंडिया में अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा, अल्टरनेट ऑप्शन है, तो उसमें भी कुछ अब सेलेक्टिव चीज़ें आपको चूज़ करनी पड़ेंगी। रही बात, सारी पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब मैं इसमें एक चीज़ जो रेगुलेटरी बॉडीज़ का है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि जो भी आपको प्रैक्टिस करना है, अगर अभी इस नियम को देखा जाए तो कहीं से भी आपको पढ़ के आने के बाद इंडिया में इंटर्नशिप करना पड़ेगा, जो 1 साल का बहुत ज़्यादा ही बच्चों पे बर्डन है, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे लॉयर से बात किया है। लॉयर ने बोला है इसको अमेंडमेंट के लिए डाला जाएगा, इट विल बी टाइम टेकिंग, बट आपकी सारी डिग्री रिकॉग्नाइज है। जो सबसे मेन मुद्दा है कि आपका 1 साल बढ़ रहा है। अब डिपेंड करता है कि अगर आप देखें रशिया, यूक्रेन, अगर मान के चलिए अगर उनकी कंट्री नहीं मानती है, तो आपको 6+1+1 कोर्स ऑफ ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तब आपको अब कहीं भी जाने के लिए अब कंट्री बहुत सोच समझ के चूज़ करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात जो है इंटर्नशिप की, जो बात है इंटर्नशिप भी के हिसाब से भी आपको कॉलेज चूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि कई कंट्रीज़ में बच्चे चले जाते हैं, जैसे आर्मेनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में हॉस्पिटल्स इशू होता है, और वहाँ पे बस किसी तरह वहाँ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके ये लोग इंटर्नशिप कराते हैं। तो वैसी कंट्री के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि हर कंट्री में अभी बच्चे बहुत रैपिडली जा रहे थे। इस साल काफ़ी बच्चे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यूक्रेन गए हुए हैं। अब उनके वो लोग थोड़ा पैनिक हो रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप पढ़ रहे तो वापस मत आइए, पैनिक मत होइए, धीरे धीरे चीज़ें आपके टाइम तक में क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, इट्स नॉट फॉर माई बिजनेस, इज़ फॉर द स्टूडेंट्स लाइफ एंड फ्यूचर। तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, पैनिक नहीं होना है किसी भी गार्जियन को और किसी बच्चे को। अगर आपको लगता है कि नहीं हम भारत के राजपत्र को फॉलो करेंगे, तब आपके पास दो ही ऑप्शन रह जाता है, चाइना और बांग्लादेश अभी। बट अगर आप टाइम देंगे तो शायद आपके लिए सारे ऑप्शन नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये पर्सनली मेरा रिक्वेस्ट है, बाकी सभी लोग लगे हुए हैं, हम लोग की पूरी टीम लगी हुई है। और जो मेरा बेसिकली है कि अगर आपको कुछ भी मोर डाउट्स है इस मुद्दे पे बात करने पे, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, फ़ोन पे समझ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। भारत के और काफ़ी सारी वीडियोस आई होंगी जो मतलब लोग अपने अपने बिजनेस पर्पज से यूज कर रहे हैं। जैसे मैं आप देख रहे होंगे कई फिलीपींस को टारगेट कर रहे हैं, कई लोग यूक्रेन को टारगेट करते हैं। इसमें टारगेट करने वाली कोई बात नहीं है, अगर आप देखेंगे पूरे नियम को सही से समझेंगे, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, इसके सारे नियम्स के, और तब आप इस पे खुद से भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो ये बिज़नेस कर रहा हूँ 16 सालों से कर रहा हूँ, और मोर देन 1500 डॉक्टर्स इंडिया के अंदर में, काफ़ी डॉक्टर्स मेरे MO बने हुए हैं, काफ़ी डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक सक्सेसफुल रहा कैरियर रहा है मेरा, और मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करता, ज़्यादा चीज़ें नहीं आता। मैं अभी कुछ
सालों से YouTube पे आके आपको एक इन्फॉर्मेशन देना की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है, एजेंट आप भी बन सकते हैं, एजेंट कोई भी बन सकता है, अब्रॉड में एडमिशन कोई भी कराने की तैयारी कर सकता है, किसी के द्वारा भी लिंक मिल जाए उसके थ्रू आप एडमिशन करवा सकते हैं। बट मेन मैटर क्या करता है, आपका नॉलेज कितना है। कॉलेज में एडमिशन कराना एक प्लस पॉइंट नहीं है, आप जहाँ भेज रहे हैं वहाँ से आपके बच्चे प्रॉपरली डिग्री लेके आपकी काउंसिल में रजिस्टर्ड हो जाएंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा मैटर है। कहीं भी भेज देना एक सबसे बड़ी बात नहीं है। तो यही है कि कंसल्टेंट आपको बहुत मिल जाएंगे मार्केट में, बट एक जेन्यून और एक चीज़ें जो इस हर चीज़ पे डिस्कस करे, हर बात को आपको बताए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सभी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर अगर आपको कोई डाउट्स है या आपको कुछ समझना है तो आप डायरेक्टली हमारे नंबर पे कॉल करें, हमसे समझें, हमसे कॉन्टैक्ट करें, कोई इशू नहीं है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम आपको फ़ोन करेंगे कि आप एडमिशन ले लीजिए यहाँ, ये नहीं। क्योंकि सर देखिए, बच्चे जो भी हैं, आप लोग जो देख रहे हैं मेरे वीडियो को, मैं बता देता हूँ कि बच्चे चाइना, रशिया, यूक्रेन, फिलीपींस, इन्हीं कंट्रीज़ में जाते हैं। और आपको कहीं भी जाना, पैसा आपका है, बच्चा आपका है, फ्यूचर आपका है, तो हमारा काम है आपको सही मार्गदर्शन देना। तो आप इसके लिए हमसे संपर्क करें। और मैं इस वीडियो में अगर ज़्यादा डिटेल्स में जाऊँगा तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। और हाँ, एक और पॉइंट मैं अभी लास्ट में भूल गया था, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ऑलरेडी बच्चे पढ़ चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं और जो पास आउट हो चुके हैं, उस पर ये नियम नहीं लागू होता है। तो कृपया करके वो सारे बच्चे पैनिक मत होएं, और वो सारे बच्चे जो मुझसे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर हमारा क्या होगा, आपका कुछ नहीं होगा, आपके साथ जो पहले वाले नियम थे उसी नियम पर आप चलेंगे। ये नया नियम जो है 18 के बाद लागू हुआ है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो ठीक है सर, आप लोग को अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में जिनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप सभी को बताएं, और आपको अगर कुछ इसमें रह गया है जो मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया टाइम के अभाव में, तो काइंडली आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। नमस्कार।